अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको सेवियों का ज़रदा बताऊंगी। ये कैसे बनाना है, बहुत ही आसान तरीका है। ईद पे इसको बनाएं और घर में ट्राई करें, बहुत ही मज़े का ये सेवियों का ज़रदा तैयार होता है। इसके लिए मैंने सेवियाँ 50 ग्राम ले ली हैं। इसका मैंने एक पैकेट ले लिया है सेवियों का, जो बारीक सेवियाँ होती हैं सबसे मैं उसका ज़रदा बनाऊँगी, ये बहुत जल्दी गल जाती हैं। बाद में इसमें मैंने किशमिश ले लिए, नारियल ले लिया, बादाम को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया और सबस इलायची ले ली। एक कप मैंने चीनी का ले लिया। इसका मैं शीरा बनाऊंगी, शीरे में 3 इलायचियाँ डाल के, ताकि खुशबू सारी हमारी शीरे के अंदर शामिल हो जाए, वो हम सेवियों के अंदर शामिल करेंगे। अब हम बनाते हैं इसको, कैसे बनाना है झटपट, उसकी रेसिपी अब आप आगे देखें। सेवियों को मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के 2 चम्मच उसमें डाल दिया है, साथ मैंने 2 इलायची के दाने भी इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे, फिर इसके अंदर हमने जो शीरा बनाया था वो शामिल कर देंगे। इसी तरह इसको भूनते जाएं। सेवियाँ हमारी भुन गई हैं, अब जो शीरा हमने 1 कप तैयार किया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। शीरे को हम इसमें शामिल करके इसके अंदर किशमिश शामिल करेंगे, जो हमने इसके लिए निकाल के रखे थे पहले से। नारियल शामिल कर देंगे, फिर हम इसके अंदर थोड़े से बादाम शामिल कर लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। सेवियाँ बहुत ही बारीक हैं, बहुत ही जल्दी गल जाएंगी। और अगर उससे पहले आप इसको चेक कर लें, कहीं ये लगे ना, क्योंकि सेवियों का जर्दा बन रहा है और इसके अंदर हमने कोई पानी शामिल नहीं किया, इसका शीरा ही इसके अंदर हमने शामिल किया है। अब हम इसको ढक देंगे, ढक के 10 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे कि हमारी सेवियां तैयार हो गई। बहुत झटपट तैयार होने वाला सेवियों का जर्दा। मैंने चीजों को मिक्स करके अच्छी तरह इसको ढक दिया था ताकि ये जल्दी से तैयार हो जाए। 10 मिनट के अंदर हमारा सेवियों का जर्दा तैयार हो जाएगा, मैंने इसे ढक दिया है। सेवियों का हमारा जर्दा तैयार हो गया है, सेवियाँ अच्छी तरह गल गई हैं। मैंने थोड़ा बनाया है, अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप 2 पैकेट 3 पैकेट जितना भी आप बनाना चाहें 1 किलो का बना लें और उसी तरह क्वान्टिटी हर चीज़ की बढ़ा लें। अब हमें इसे डिश आउट करेंगे। सेवियों का ज़बरदस्त सा ज़रदा तैयार है, अब हम इसे गार्निश करेंगे। जो मैंने मेवा इसके अंदर डाला था वही मेवा मैंने थोड़ा सा बचा लिया था ऊपर से गार्निशिंग के लिए। ज़बरदस्त सेवियों का ज़रदा तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में।